हेलो गाइस, मैं मुसीबुल, आप लोग देख रहे हैं मेरा आपके यूट्यूब चैनल जुगांतो धारा। इस वीडियो में बताऊंगा कतर नहीं जाके वीसा एक्सपायर हो गया है, क्या दोबारा कतर में उस वीसा में जा सकते हैं, क्या वीसा का वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगा और किस वजह से इस तरह से वीसा एक्सपायर हो गया है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा। और कतर के किसी कंपनी का इंटरव्यू दे चुके हैं कि आपका वीसा मिल चुका है, उस वीसा का अगर वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, अब कतर में नहीं जाके वीसा वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, तो उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, आप उस वीसा में क्या दोबारा कतर में जा सकते हैं। देखिए, जिस कंपनी का आपको वीसा मिला है, वीसा का वैलिडिटी खत्म हो गया है, फिर भी आपको नहीं लेके गया है, एक कंपनी का प्रॉब्लम की वजह से आपका वीसा एक्सपायर हो गया है, तो दोबारा उस कंपनी चाहेगा तो वीसा को फिर एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके लिए कंपनी को कुछ रियाल पे करके वीसा को फिर एक्सटेंड कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ कंपनी अगर चाहेगा तो उसी वीसा को दोबारा एक्सटेंड कर सकते हैं। कंपनी की वजह से आपको वीसा एक्सपायर हो गया है क्योंकि बहुत सारे भाई का किसी मेडिकल भी हो गया है, वीसा तो मिल चुका है, उसके बाद किसी मेडिकल भी हो गया है, किसी मेडिकल होने के बाद अभी भी उस वीसा का जो वैलिडिटी ये खत्म होने वाला है, किसी का 1 महीना, किसी का 10 दिन, किसी का 5 दिन बाकी है वीसा वीसा का वैलिडिटी खत्म होने में। जिस एजेंसी के थ्रू आप वीसा मिला है, उस एजेंसी आप डायरेक्ट बात करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो कंपनी है, जिस कंपनी का वीसा आपको लग चुका है, तो डायरेक्ट आप बात करके मेल करके आप प्रॉब्लम को जान सकते हैं, किस वजह से आपको वीसा एक्सपायर हो गया है। कंपनी का बहुत अर्जेंट था, अर्जेंट का वजह से आपको वीसा इशू कर दिया है, लेकिन अभी अर्जेंट खत्म हो गया है, किसी भी वजह से कंपनी का अभी वर्कर जरूरत नहीं है, तो इसका वजह से इस तरह से हो सकते हैं। कभी कभी एक दो कंपनी का इस तरह से वीसा मिल जाता है, वीसा मिलने के बाद भी कंपनी वर्कर को नहीं लेकर जाता है, इस तरह से गेम फेल भी हो सकते हैं, बहुत सारे गेम में इस तरह से फेल भी होता है। आपका वीसा एक्सपायर हो गया है, अभी कतर में नहीं गया है, कतर में जाने से पहले एक्सपायर हो गया है, तो जिस कंपनी का वीसा कंपनी चाहेगा तो फिर दोबारा उस वीसा में आप लेके भी जा सकते हैं, आपका वीसा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और आपको किवीसी नहीं हुआ तो फिर किवीसी करके आपको वीसा को फिर रिन्यू कर सकते हैं, इसके लिए आपको मुश्किल नहीं होगा। कंपनी अगर वर्क का जरूरत है और कंपनी चाहेगा तो आपको इस तरह से वीसा को एक्सटेंड करके फिर आपको लेके जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी मिल गया है, कतर में नहीं जाकर अगर वीसा एक्सपायर हो जाएगा तो आपको क्या करना चाहिए, कि आप उसी कंपनी में जा सकते हैं, वो भी आप लोगों को जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी मिला, थोड़ा सा वाचल वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आप सबको मिलता रहेगा।